आए। अंदर पंखा नहीं चल रहा, बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, बहुत हफ्स हो रहा है। सबर करो सबर, जिस बंदे को तुमने मारा था ना, लोगों ने उसके घर वालों को भी यही कहा होगा। बहुत घुटन हो रही है, दम घुट रहा है मेरा। निकल तो नहीं रहा ना दम। भाई मुझे अपने पास बिठा लो। अच्छा जी, मतलब मुजरिम और सिपाही का फर्क ही खत्म कर दें। भाई मैं पैसे दे दूंगा, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। चलो चलो अपना काम करो, पैसे दे दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सजाद भाई इस हद तक गिर जाएंगे। मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार किया था, वो औरत ऐसे नहीं आई थी। तुम्हारा देवर पहले ही सब कुछ तय कर चुका था, लेकिन मैं इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। आप ही ऐसे कैसे बोलो कि इसको माफ कर सकते हैं, जिसने मेरी सारी जिंदगी एक लम्हे में खत्म कर दी है। वो सब तो ठीक है, मगर फिर ये लोग, तुम पर जमीन तंग हो जाएगी। होती है तो होने दे, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं। वैसे भी जिस इंसान के हाथ पहले ही खाली हैं, उसको लुटने का क्या खौफ होगा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। वैसे साबरा खाला की क्या राय है इस मामले में? वही जो एक बेटे की माँ की होनी चाहिए, वो भी उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया, इस तरह उनके साथ से तुम्हें भी अपने देवर और देवरानी से मुकाबला करने की हिम्मत रहेगी। लेकिन फिर भी एहतियात रहे, माँ माँ होती है, तुम्हें किसी भी तरफ से अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। मतलब हो सकता है कि एक बेटी से जुदाई के बाद दूसरे बेटे की दूरी वो सह ना पाए, और तुम्हारे देवर और देवरानी इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, माँ को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए मजबूर करेंगे।